हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। भाई आपका एकदम बढ़िया है, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मेरी जो थी कश्मीर राइड स्टार्ट हो गई थी, जिसकी मैंने स्टोरी भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, जो मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों पे मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। तो उसकी जो है कुछ रीजन्स थे, रीजन्स की वजह से वो कश्मीर राइड जो है मेरी कैंसिल हो गई, कैंसिल मेरे को करनी पड़ी। वो क्या रीज़न थे वो मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊँगा, इस वाले में नहीं बता सकता। तो आज जो है मैं हूँ बनिहाल में अपने चाचू के घर पे। तो अब आज जो है आपको मैं अपने बाग का व्यू दूंगा, व्यू दिखाऊंगा, जो हमारा बनिहाल में ब्लॉग बाग है मेरे चाचू का, उसका व्यू दिखाऊंगा, जिसमें हमने कुछ सेब लगाए हुए हैं, कुछ अंगूर लगाए हुए हैं, कुछ आलू बुखारे लगाए हुए हैं, ऐसे ऐसे जो हैं फूल फल फ्रूट वाले दरख्त लगाए वो दिखाऊँगा। क्योंकि जो भी मेरे किसान हैं, किसान भाई हैं जो देखते हैं, उनको तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, क्योंकि उनके मतलब की चीज़ होगी। तो बाकी दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे क्या कुछ है क्या नहीं है। बाकी बनिहाल में जो मौसम है काफ़ी बढ़िया मौसम हो रखा है। वो क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे इतनी गर्मी है, ना यहाँ पे इतनी ठंड है। पिछले राम में तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा गर्मी है, जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं बनिहाल में, मैं असल में जा रहा था श्रीनगर, तो वहाँ पर मैं जा नहीं पाया। तो आज का जो व्लॉग है वो हम अपने घर से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से बैक साइड में मेरे देख पा रहे हो कि यहाँ पे लगाए हुए हमने कुछ सेब के बूटे, कुछ आलू बुखारे के बूटे हैं, कुछ नाखे हैं, कुछ सब्जी वगैरह है, वो आपको दिखाते हैं अभी। तो बाकी तब तक के लिए आप लाइक शेयर कमेंट कर दो व्लॉग पे। यार आप कमेंट नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो मेरे शॉर्ट्स जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ उस पर आप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं मेरे को, वो उससे मैं काफ़ी खुश हूँ, उससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, उससे थोड़े सब्सक्राइबर्स भी मेरे बढ़ रहे हैं। तो बाकी अभी दिखाते हैं मैं आपको यहाँ का व्यू, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। हेलो, ये हमारा फर्स्ट प्लॉट जिसमें हमने रेड गाला एप्पल के जो है कुछ पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, सामने से रोड है, गेट है हमारा, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट प्लॉट स्टार्ट है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाले सेब, ये वाले पता नहीं कौन सा सेब है, रेड गाला तो नहीं है, कोई और सेब है, आप देख लो अच्छी तरह। तो अब हम चलते हैं इस साइड जहाँ पे हमने रेड गाला एप्पल लगाए हुए हैं मेरे चाचू ने। ये देखो, ये वाले हैं रेड गाला एप्पल, ये है पूरे इस प्लॉट में, इस वाले में भी और ऊपर वाले में भी। ये 100 से ऊपर है, 100 पेड़ से ऊपर लगाए हुए हैं मेरे चाचू ने यहाँ पे। ये है, ये आई थिंक कोई नाक है मेरे ख्याल, या क्या है आप बताओ बाकी कमेंट करके क्या है, मेरे ख्याल में तो नाक ही है। तो यहाँ पे है ये कुछ सेब हैं, ये अखरोट भी आप देख पा रहे होंगे, अखरोट का कितना बड़ा पेड़ है। ये देखो अखरोट, इस पे अखरोट कहाँ पे है, अखरोट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो अखरोट, क्या अखरोट है इस पे यार। अभी छोटे हैं थोड़े, काफ़ी बड़े हो जाते हैं ये, यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अभी आपको हम दिखाते हैं। ये जो है इसी साल के पेड़ हैं, इसी साल हमने लगाए थे, जब इनका सीज़न होता है जनवरी फरवरी तक, दिसंबर के बाद ही हमने लगाए हुए हैं, जनवरी फरवरी इन दो महीनों में ये वाले लगे हैं यहाँ पे सारे, ही आप देख पा रहे होंगे। इस वाले में है, ये भी किसी का मकान है यहाँ पर, और ऊपर वाले में है। अभी दिखाते हैं हम आपको यहाँ वाले, ये जो है इनकी इतनी अच्छी तरह से केयर हुई है, इतनी अच्छा तरह से इनको मिला हुआ है यहाँ पे एनवायरनमेंट, कि इनको जो है इसी साल हमने लगाया हुआ है, और इसी साल इन पर जो है फल भी आ गया हुआ है, किसी किसी पे आया हुआ है, दो तीन पेड़ों पे आया हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप, छोटा छोटा अभी पेड़ भी काफ़ी छोटे हैं, तो फल भी आ गया हुआ है इनको साथ ही। तो अभी चलते हैं ऊपर वाले में, ये यहाँ पर लगे हुए हैं, ऊपर वाले में भी चलते हैं फिर। अभी ये आप देख पा रहे होंगे, ये है एक प्लॉट, ये वाला, ये अमरूद का पेड़ है सामने, अमरूद बोलते हैं ये लाल टमाटर जैसा हो जाता है, मगर बीच में कोई फल है नहीं, वह फल होता तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये है आलू बुखारे का पेड़, आप देख पा रहे होंगे आलू बुखारे भी लगे हुए हैं इस पर। ये है एप्पल एक और, ये है एक और एप्पल का पेड़ बड़ा, जिस पर एप्पल पड़ रहे हैं अभी। तो यहाँ से रास्ता, तो ये है इस साइड हमारे कुछ और एप्पल के पेड़, कुछ खुबानियों के पेड़, कुछ गुलाब हैं, ये देख पा रहे होंगे गुलाब कितना प्यारा है, देखो यार।
देख रहे हो। तो बाकी यहाँ पे हैं कुछ एप्पल वगैरह है, कुछ खुबानियाँ हैं, कुछ अंगूरों के भी हैं, वो ऊपर हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने मक्की लगाई हुई है थोड़ी सारी। ये देखो, ये एक और मकान है हमारा। ये देखो, अब चलते हैं इस वाले में जहाँ पे हमारे दूसरे और भी हैं एप्पल के कुछ पेड़, रेड गाला एप्पल जो होते हैं उसी के। ये देखो यार क्या पेड़ हैं ये, जबरदस्त। कुछ सूख भी गए हैं, कुछ लग भी गए हुए हैं, लगे हुए तो 100 से ऊपर ही हैं, कुछ सूख भी गए हुए हैं दो चार। ये देखो देखो, जैसे कि ये एक सूख चुका है तो ये भी सूख चुका है, मगर इसके नीचे जो है ग्रीनी है। ये देखो, सेकंड वाला प्लॉट है, एक वो है एक ये है, इसमें एंड पे एक और पेड़ पे भी एप्पल लगा हुआ है। ये देखो, तो बाकी ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ से रास्ता, यहाँ से जा रहे हैं नाला भी ये साइड से, और रास्ता है वहाँ से। तो चलते हैं हम यहाँ पे ऊपर इस वाले प्लॉट में। तो देखो ये खुबानी का पेड़ है, बाकी जो प्लॉट खाली है, प्लॉट ये वाला खाली रखा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे क्या ज़बरदस्त है यार जगह। इतनी गर्मी भी नहीं है आज, इतनी ठंड भी नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम है। रामबन के मुकाबले में तो बहुत अच्छा है, रामबन के मुकाबले में बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे, इस तरह से मैं बोलूँगा। देखो ये भी एक सेब का पेड़, तो ये हमारा यहाँ पे लॉन है, लॉन बनाया हुआ है जहाँ पे हम बैठते हैं शाम को। ये गाड़ी है, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, दो गाड़ी हैं। तो ये देखो ये लॉन है हमारा, यहाँ पे भी कुछ फूल के पेड़ हैं, कुछ फल के पेड़ हैं। ये देखो क्या ज़बरदस्त पेड़ है यार। सामने हमने थोड़ी सारी सब्जी लगाई हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं, अभी आगे चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं सब्जी। यहाँ पे जैसे कि हमने फलियाँ लगाई हुई हैं, साग लगाया हुआ है, देख रहे हो ये फलियाँ हैं कुछ, इसके भी बूटे हैं मक्की के, वो साग है वहाँ पे, वो आगे चुकंदर है। तो इस साइड यहाँ पे मिर्चें हैं, ये वाली मिर्चें हैं यहाँ पे, वो वाला फिर से साग है, तो यहाँ पे भी साग है। ये एक है छाउन के लिए ऐसे बूटा शोपीस। ये देखो यार क्या ज़बरदस्त है। अभी चलते हैं हम ऊपर इस साइड से, फिर आपको दिखाते हैं वो वाला भी, इस साइड का भी हम व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे तो थोड़ा जंगल हो गया हुआ है। ये एक और है खुबानी का पेड़, ये एक और खुबानी का पेड़ है। यहाँ पे भी कुछ सब्जी लगाई हुई है थोड़ी सारी, साग है, मिर्चें हैं, बैंगन है, साग है, और यहाँ पे शायद बीट लगाया हुआ है कुछ। तो ये खाली है, तो ये है चुकंदर, ये भी चुकंदर है, मक्की लगाई हुई है यहाँ पे। ये है बही का पेड़ है, ये पीका नट अखरोट है, एक जापानी अखरोट भी जिसको बोलते हैं। तो ये है अंगूर, देख रहे हो ईगल का पर। तो ये देखो ये है अंगूर, ये देखो कितनी ग्रोथ हुई है इसकी, यहाँ से लगा हुआ है ऐसे 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 ऐसे, तो इसके ऊपर पूरा फैला हुआ है। तो ये देखो यार व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे भी एक अखरोट का पेड़ है, यहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई हैं, अगर कोई बंदा बैठेगा भी तो भी एकदम मज़े में। अभी बैठते हैं हम यहीं पे। ये देखो यार अखरोट का पेड़, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक कुर्सी ये है सामने मेरे। ये देखो मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। तो भाई लोग मेरे को कोई आधा घंटा हो चुका है यहाँ पे बैठे हुए, काफ़ी मज़ा आ रहा था यार। अब तो आपके लिए ब्लॉग भी शूट करना है, फिर एडिटिंग भी करनी है, फिर डालना भी है, तो इसलिए यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे को। वही देखते हैं अब जाते हैं ऊपर घर पे, यहाँ घर के पहले उस साइड हम जाते हैं, वहाँ का भी आपको व्यू दिखाते हैं उस साइड का। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, ठीक है। मिलते हैं अभी थोड़ी। चलो ये मकान हमारा, ये देखो यार सामने जो छोटा सा गार्डन है हमारा, यहाँ पे कितने फूल लगाए हुए हैं, कितने कुछ लगे हुए हैं। ये देखो यार
यहाँ से ऊपर जाते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। ये देखो देख रहे हो चिड़िया वगैरह गिटारियाँ जिसको हम बोलते हैं। ये देखो रही आ गया हमारा मकान का दूसरा वाला साइड। ये देखो तो ये है कुछ यहाँ का व्यू पॉइंट। तो अभी चलते हैं हम ऊपर कमरे में, वहाँ पे मिलते हैं आपसे, ब्लॉग को करते हैं वहीं पे एंड जाके ऊपर, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाकी तो हमने आपको अपना जो था यहाँ का बाग वो तो आपको हमने सारा दिखाई दिया है। चलते हैं ऊपर, मिलते हैं थोड़ी देर में। वैलॉग अभी मैं आ चुका हूँ अपने कमरे में, बैठा हुआ हूँ यहीं पे, तो इस वाले ब्लॉग हम कर देते हैं यहीं पे एंड। अब देखता हूँ मैं टीवी शीवी थोड़ी देर। बाकी यार अगर हम शाम को कहेंगे तो वहाँ पर ब्लॉग आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसी के बारे में, शाम को हम कहाँ जाएंगे अगर कहेंगे घूमने शूमने। तो बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। तो यार नहीं जा सकता मैं कश्मीर, उसके लिए सॉरी, मेरी राइड मेरी कैंसिल होगी। और जो मेरी फिलहाल के ब्लॉग्स जो आएंगे और भी आने हैं अभी, वो आएंगे इंशाल्लाह सितंबर के महीने में। सितंबर में मैं दोबारा से आऊँगा यहाँ पे फिलहाल में, थोड़ी ठंड भी होगी, थोड़ा मज़ा भी आएगा, तब के भी ब्लॉग्स आएंगे। यहाँ पे कुछ फंक्शन भी है तो वहाँ तब का भी ब्लॉग बनाऊँगा मैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। तो बाकी यार दुआ करना मेरे लिए कि मेरे जो है जल्द से जल्द 1K कर दो यार, 340 तो हो चुके हैं, 1K कर दो कंप्लीट जल्द से जल्द। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।